दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, बहुत ही दिव्य उपाय है और बहुत ही साधारण है। कोई भी व्यक्ति इसको बहुत आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में, जिस भी व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है, कभी उस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं रहता है। हमेशा खुशी आती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस उपाय को दोस्तों आप करेंगे, आप देखेंगे आपको दुख नहीं रहेगा और सुख और समृद्धि सदैव आपके साथ रहेगी। कभी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी एक बार ये उपाय मैंने डाला था दोस्तों, आश्लेषा नक्षत्र हो या फिर कोई अच्छा दिन हो, आप बरगद के पत्ते पर, बरगद की राइट साइड का जो चिकना हिस्सा है, उस तरफ आप हल्दी से एक स्वस्तिक बनाएं और उसे अपने उस स्थान में रखें जहां आपका अन्न के भंडारे हों, जहां आप अनाज स्टोर करते हैं। आपके घर में कभी भी दोस्तों अनाज की कमी नहीं रहेगी। इस पत्ते पर दोस्तों आप अपनी इच्छा लिखें और सोमवार सोमवार आप उसे पानी में बहाना शुरू करें। पाँच सोमवार कम से कम आप इसे करें। कैसी भी इच्छा हो तुरंत पूरी होती है। ऐसे ही दोस्तों, सोमवार के दिन ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना है बड़े ही प्रेम से और बड़े ही आस्था से, तो ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बिना आस्था के, बिना प्रेम के आप कोई भी काम करेंगे। आप किसी इंसान को भी कोई चीज़ देते हैं बिना प्रेम के, ले 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 जा, वो इंसान भी उस चीज़ को, वहाँ कभी किसी की मजबूरी होती है तो लेता है। स्वाभिमानी इंसान है जिसका थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तुरंत आपकी चीज़ को उठाएगा और फेंक देगा, क्योंकि उससे नहीं लेनी आपकी कोई मेहरबानी। तो आप जब कोई क्रिया को करते हैं तो उसके प्रति समर्पित भाव रखें, समर्पण का भाव रखें। आपके भावना, जो भावना है दोस्तों, भावना से ही भगवान है। भगवान भाव के भूखे, ये आपने सुना होगा। तो आपकी भावनाएं शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल और प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन नहा धोकर के आप अपने पूजा स्थान में जो भी आपकी पूजा है वो पूजा कर लें। करने के बाद आपके घर में जो शिवलिंग है, हर इंसान के घर में छोटा सा शिवलिंग होता है, वहाँ बैठ करके आप प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप यहाँ हो, यहाँ से तो आप हम सब पर कृपा कर ही रहे हो, लेकिन मैं आज आपको जहाँ विराजमान कर रही हूँ, आप ये स्थान ग्रहण करें और मुझे, मेरे परिवार को, मेरी पूरी पीढ़ी को ताड़ दें। आप बहुत अच्छी प्रार्थना करें, ये तो कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करें। शब्दों को आप ढूंढें, अभी मैंने शब्द तो नहीं ढूंढे, मैं तो साधारण से आपको प्रार्थना बताइए, लेकिन आप बहुत अच्छी प्रार्थना करें, बहुत बढ़िया प्रार्थना करें कि भगवान को भा जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और दोस्तों, भगवान के सामने आप थोड़ी सी खीर रखें, उनका भोग लगा दें, उसके बाद उस शिवलिंग को आप वहाँ से उठाएं और अपने चावल के डब्बे में, मतलब कोई छोटा सा ही डब्बा ले लें, छोटा सा ही कोई, मतलब स्पेशल अलग से कोई डब्बा ले ले, उसके अंदर आप पहले नीचे चावल रख दें, उसके ऊपर शिवलिंग रखें और उसके ऊपर उस चावल से, मतलब चावल से उस डिब्बे को भर दें, शिवलिंग को उसके अंदर रहने दें, बराबर। छोटा सा ही डिब्बा आप पसंद कर लें। और यदि आप अपने घर में कोई बड़े डिब्बे में चावल भरे हुए हैं पहले से, तो आप उन्हें भी हटा करके और रखना चाहें तो रख सकते हैं एक दिन के लिए। तो आप उसके अंदर शिवलिंग रखें और चावल से ही शिवलिंग को दबा दें। दबा करके दोस्तों, चावल के डिब्बे पे थोड़ा सा धूप दिखा दें, अगरबत्ती का, धूप बत्ती का, और उस डिब्बे को आप बंद कर दें। बंद करके बाहर से उस डिब्बे को कला वैसे बांध दें, जैसे कि आपने अपने भगवान को अपने घर में, जहाँ अन्नपूर्णा का वास है, वहाँ पर आपने बिठाया है सोमवार के दिन। करना क्रिया है दोस्तों, चावल के डिब्बे में ही आपको इस क्रिया को करना है, ठीक है। सुबह आप इस क्रिया को करें और संध्या समय चावल के डिब्बे से शिवलिंग को निकाल लें, धो धा करके साफ करें और अपने पूजा स्थान में बिठा दें। थोड़े से चावल उन पर चढ़ाएं, धूप दीप पुष्प वगैरह चढ़ा करके पूजा करें, बराबर। कलावे के दोस्तों आप अपने हाथ में बांध लें या अपने तिजोरी में, दरवाजे पर, जहां आपको उचित लगता है आप उसे थोड़ा सा स्थान दे दें। दोस्तों, इस क्रिया को आप करें
पांच सोमवार करें, ज़्यादा ना कर सके 3 सोमवार 5 सोमवार। वैसे आप जितना ज़्यादा करेंगे आपको बहुत अच्छी इफेक्ट इसकी देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे दोस्तों आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और शिव जी के सामने हमेशा दोस्तों घी का दिया लगाएं, हमेशा आप देखेंगे, आप कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। चावल के डिब्बे में सिर्फ एक दिन रखें शिवलिंग को, रिजल्ट दोस्तों बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया आएगा। करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ आती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।